नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। देश के प्रधानमंत्री पंजाब में 5 जनवरी को फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, जहां उन्होंने राज्य के लिए कई सौगातों का तोहफा देने का फैसला भी किया था। लेकिन इस बीच उनकी रैली से पहले ही उन्हें प्रदर्शनकारियों के बीच फंसे रहना पड़ा। साथ ही हालात और स्थिति ऐसी थी कि पीएम के ऊपर एक गहरा संकट मंडरा रहा था। फ्लाईओवर के बीचों बीच फंसे हुए प्रधानमंत्री मोदी की जान के साथ यहां बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। जिस देश के लोगों ने उन्हें पूरे विश्वास के साथ भारत की बागडोर दी थी, जिन पर लोगों को भरोसा है कि वो अपने देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनकी जान पूरे भारत के लिए इतनी अनमोल और कीमती थी, वहां पंजाब सरकार अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बेहाल स्थिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ बचकानी लापरवाही की। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है, जहां बार बार पंजाब सरकार अपने बयान बदलने का कार्यक्रम कर रही है, तो अब उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पोल खोल दी है। एक तरफ जहां सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए इसे पीएम का ड्रामा बता रहे हैं, जहां वो इस गंभीर मुद्दे की अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वहीं खुद पंजाब से आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी इसे पीएम की सुरक्षा में हुई सेंध को मामूली नहीं बता रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है, जिससे हर किसी की नींदें उड़ चुकी है। उनका कहना है कि मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा है, इसलिए यह पूरी तरह से अलग हो जाता है। यहां कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपने टीवी इंटरव्यू में पहले इस घटना की जांच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की बात कही थी। जबकि इस बीच उन्होंने उस दिन पीएम की सुरक्षा चूक की गंभीरता की ओर इशारा करते हुए कहा है, जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पर है, और पाकिस्तान की जो हैवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 3536 किलोमीटर से ज्यादा होती है। उनका साफ कहना है कि इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। फिलहाल कांग्रेस नेता के इस बयान पर कांग्रेस खेमे में बवाल मच गया है, जहां पंजाब सरकार आए दिन पीएम की सुरक्षा में हुए चूक पर अपनी लापरवाही ढकने की कोशिश कर रही है, वहीं अब उनकी ही पार्टी से उठे इस खास मुद्दे पर सच से वो वाकिफ नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये हर किसी को पता है कि सच कड़वा होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।